हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो जैसा कि हम जानते हैं, IBPS PO एग्ज़ाम आने वाली है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि मैं कोई ना कोई स्ट्रेटेजी शेयर करूं जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत बेटर हो और अच्छे से आप उसमें अपियर हो पाए और अपना बेस्ट दे पाए। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आज एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है और कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको मैं इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगी। इंग्लिश के लिए बहुत सारे डाउट आते हैं कि मैम हम इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश को आप ग्रामर के हिसाब से सीखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो ग्रामर आप उससे सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश को सीखने का कि आप इंग्लिश में सबसे बात करें, आपके आसपास ऐसे लोगों से बात करें जिनको इंग्लिश आती हो, और अगर आप कुछ उसमें गलत बोल रहे हैं तो वो आपके बातों को और आपके सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाएँ। आपको ऐसे लोगों से इंग्लिश में बात करनी है और अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज को प्रैक्टिस में लाना है। कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर की चीज़ें सीख रहे हैं, टेंस क्या है, कैसे हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरी जैसे प्रैक्टिस है कि मेरा पूरा कोर्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में हुआ है, और मेरी सराउंडिंग्स जो थी, मैं अपनी एजुकेशन वीडियो बाद में बनाऊंगी कि मेरी क्या एजुकेशन रही है। तो जैसे मेरा था कि पूरा एनवायरनमेंट था वो इंग्लिश में ही था, लोग मुझसे इंग्लिश में बात करते थे, और ऐसे ही हम सीख जाते हैं धीरे धीरे। मुझे किसी ने इंग्लिश नहीं सिखाई, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता इंग्लिश का जो मेरा गलत होता है। तो आई होप आप भी ये स्ट्रेटेजी अपनाएं इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली, कि आपको इंग्लिश में लोगों से बात करनी है और कम्युनिकेशन करना है। कुछ न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, जिससे आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग इम्प्रूव होगी। और जहाँ तक पीओ की बात करूँ तो इसमें सेंटेंसेस सिंपल ही आते हैं, जैसे फिलर्स आते हैं तो इसमें सिंपल ही आते हैं क्योंकि टाइमिंग्स कम होते हैं। बस आपका वो एक इंग्लिश फ्रेमिंग देखना चाहते हैं, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि इंग्लिश का नॉलेज चेक करते हैं। जस्ट आपको नॉर्मल सेंटेंस फ्रेमिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग रीजन्स में पोस्टिंग मिलती है आपको, तो आपको उस हिसाब से इंग्लिश में लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएं, आप ऐसे टॉपिक्स की ओर जाएं, जैसे मैंने IBPS SO क्लियर किया है, तो आप ऐसे टॉपिक्स की ओर जाएं जिसमें आपका मास्टर हो, कि आप ऐसे टॉपिक्स चूज कर लें। सबसे पहले हर सब्जेक्ट के लिए आपको सिलेबस वाइज टॉपिक्स चूज करने हैं। जैसे हमारा कोई भी एक टॉपिक है वो अच्छा है, जैसे सिलॉजिज्म है तो वो मेरा अच्छा है तो मैं उस पर ही फोकस करती हूँ। नंबर सीरीज है वो मेरा अच्छा है तो मैं उस पर ही फोकस करती हूँ, और अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान रखती हूँ। आपको बिना वजह एक भी अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि एक भी अटेम्प्ट आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी नेगेटिव मार्किंग ना हो बिल्कुल भी, हमें सिर्फ पॉजिटिव मार्क्स चाहिए। उसके लिए आप लिमिटेड अटेम्प्ट करेंगे और वो सही करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड अटेम्प्टिंग देम रॉन्ग। सो ये थी मेरी रीजनिंग के लिए। आप बिल्कुल स्पेसिफिक जाएं कि ये टॉपिक मुझे आते हैं और इसी पे मुझे मास्टर्स करना है, कि आपको उसी के लिए ट्राई करना है, उसी के मॉक टेस्ट लगाने हैं। पूरा सिलेबस, हर चीज़ परफेक्ट किसी की भी नहीं हो सकती, मेरी भी नहीं है, तो आप सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक्स की ओर जाएं। क्योंकि प्री की अगर बात करें तो हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, हमको प्री में टॉप नहीं करना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करती हूँ। जनरल अवेयरनेस में आपको पर्टिकुलरली 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स की तैयारी करना है। जो 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं वो अड्डा 247 से मैं पढ़ती हूँ, और 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली डिटेल्ड वाले जो होते हैं, मैं उनको पूरा रट लेती हूँ कि अगर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से आते हैं IBPS SO में भी और PO में भी। तो लास्ट 3 मंथ्स पे आपको फोकस करना है, और डिटेल्ड वाली जो PDF अड्डा 247 की अपडेट होती हैं वो आपको पढ़नी है। और करंट मंथ से भी आते हैं, जैसे अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो आप 10 तारीख तक के करंट अफेयर्स पढ़कर जाएं।
वो डिटेल पीडीएफ अपडेट नहीं होती होगी, बट डेली उस जो 1 से 10 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स है आप उसको पढ़ लें। तो ये थी आपकी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी। उसके बाद बैंकिंग के भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वही पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। आप सिलेबस की ओर जाएं, जैसे फुल फॉर्म्स ज़्यादा आते हैं तो आप फुल फॉर्म्स प्रिपेयर करें, ये सब बन जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हो गई। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो मेरा भी थोड़ा सा वीक है, बट यू कैन प्रिपेयर सेम एज रीजनिंग कि अगर आपके कोई टॉपिक्स आप उसमें अच्छे हैं, आप मास्टर हैं उसमें, तो आप उसी को प्रिपेयर करें, सभी टॉपिक्स की ओर ना जाएं। और हम टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फॉर एग्जांपल, तो वो एक्यूरेसी होनी चाहिए और उसी पर, और ऐसे क्वेश्चन चूज कर लें अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें आगे बढ़ना है, उसके पीछे हमें नहीं रुकना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत टाइम नहीं लेता है एक एक क्वेश्चन में, तो अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें उसको छोड़ना है, पूरा टाइम उसमें नहीं देना है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स और ये मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इंग्लिश पे फोकस करें, टोटल मार्क्स भी हमें चाहिए। तो ये सब मेरी स्ट्रेटेजी थी थोड़ी सी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे और भी वीडियोस में बनाती रहूँगी। मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में आई हूँ तो इतना टाइम मैं नहीं दे पाई, शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गई कमेंट्स के अकॉर्डिंग, सबको वीडियोस चाहिए था। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगी और रेगुलरली मैं आपके साथ अपने अपडेट शेयर करूँगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सो ऑल द बेस्ट, और लास्ट टाइम है एग्जाम का तो पैनिक नहीं होना है, और अच्छे से आपको एग्जाम देनी है। जितना पढ़ लिया है उतना काफ़ी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर टुडे।